तो जाहिर तौर पर यूपी पुलिस के इस एनकाउंटर पर कई सवाल उठ रहे हैं, और यहाँ पर यूपी बीजेपी का प्रवक्ता हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। हरिश्चंद्र जी, जिस तरह से हम लगातार देखें इसको लेकर के उसके एनकाउंटर के बाद लगातार सियासत तेज हो गई है, और क्यों इस तरह से पुलिस की चोरी पर सवाल उठ रहा है सर? देखिए, सियासत करने वाले तो जब बालाकोट हुआ तो भी सियासत कर रहे थे और गलवान घाटी पे भी सियासत कर रहे थे। तो सियासत करने वालों को तो उनको केवल सियासत करनी है, लेकिन आप बताइए कि जिस तरह से ये सातिर दिमाग दुर्दांत अपराधी, जिसने, मैं आपको फहरिस्त दे सकता हूं कुछ जो नाम मुझे मालूम है, सोनेलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी मिश्रा, कौशल तिवारी, साधु दिनेश दुबे और सीओ देवेंद्र मिश्रा, महेश यादव, नेम्बूलाल, अनूप सिंह, सुल्तान सिंह और तीन चार और जो आरक्षी जिनको अभी इसने मारे थे। तो ये 15-16 नाम तो मैं आपको गिना रहा हूं। और जिस तरह के सातिर अपराधी था, जितना इसका सातिर दिमाग था, जिस तरह से दुस्साहसिक ये करतूते करता था, तो उसमें ये असंभावना व्यक्त करना कि नहीं साहब इस तरह से वो भागा नहीं होगा, एनकाउंटर स्क्रिप्टेड है, ये तो तरह तरह के सवाल लोग उठाते रहेंगे। लेकिन आज अगर आप देखिए तो एक बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ है पुलिस के एनकाउंटर से, और उसके गांव अगर बिगरू में देखिए तो और सिवली में देखिए तो वहां जश्न का माहौल है, जहां के लोग इसके आतंक के छाए में लंबे अरसे से 15-20 साल से इसके आतंक के छाए में रह रहे थे, वहां उस आतंक का सफाया हुआ है। और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे श्रीमान अखिलेश यादव जी हों, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा जी हों, मैं इन दोनों लोगों से सवाल करता हूं कि अभी श्रीमान अखिलेश यादव की 12 से लेकर 17 तक सरकार रही, आखिर इस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ उन्होंने कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उनके अनेक जो नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके और विधायक हैं, उनके साथ उसके अनेक फोटो वायरल हुई है, उसकी पत्नी उसकी समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य रही, उनकी जो बुलेटिन है उसकी वो अस्थायी सदस्यता उसकी लिए रखी थी जी। तो ब्रजेंद्र जी जवाब दीजिए, सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं आप? सपा से लड़ी थी, इस तरह के बहुत सारे सवाल तो समाजवादी पार्टी से बनते हैं। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, अगर आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को जानते होंगे तो ये बात आपको बखूबी पता होगी कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को माननीय बनाने का काम प्रारंभ किया किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। ये 80 के दशक से 70 के दशक से जिस तरह से अपराधियों का प्रवेश कांग्रेस में हुआ, अपराधियों को माननीय बनाए जाने लगा, और फिर क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी टाइप के जो लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा खाद पानी माफिया और गुंडा तत्व को पनपने में बढ़ने में दिया, वो बड़े सारे सवाल थे। बिल्कुल, तो हरिश्चंद्र जी, बिल्कुल तो हरिश्चंद्र जी सवाल इसीलिए उठ रहा है कि जिस तरह से वो दुर्दांत अपराधी बना है, तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर उस संरक्षण में जहां वो पला बड़ा है सब सामने क्या आ पाएगा, सवाल यही उठ रहा है। और ब्रजेंद्र जी, क्यों कांग्रेस सवाल उठा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब अपने ऊपर सवाल आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से फैसला देती है कि जो मैंने कर दिया वो अंतिम सत्य है, और दूसरों से सवाल करती है, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आदरणीय प्रियंका जी ने कहा कि अपराधी मारा गया स्वागत योग्य है, लेकिन अपराधी के साथ जो सफेद पोश थे, जो एसटीएफ के डीआईजी साहब थे, जो और सारे लोग थे, उनका राज, उनको क्या होगा? और दूसरी बात, वो आदरणीय श्रीवास्तव जी बालाकोट तक पहुंच गए। मैं उनको एक स्मरण याद करा दूं कि 26/11/2008 को जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, हमला अभी चल रहा था, 27 तारीख के शाम को ताज होटल के सामने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात के सीएम थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पर सवाल कर रहे थे, 1 घंटा 14 मिनट। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे पास भी हैं जो मैं उनसे पूछ सकता हूं, लेकिन आज जो घटना हुई है सवाल उस पर करने की जरूरत है कि अगर सारी चीजें सरकार ही कर देगी, पहली बात तो इनकी सरकार उस अपराधी को पकड़ नहीं पाई, वो लखनऊ यहां से कानपुर से होते हुए हरियाणा फरीदाबाद कहां कहां घूमते हुए उज्जैन में जो वहां के होम मिनिस्टर हैं, जो कानपुर के प्रभारी थे,
और आपने देखा होगा कि किस प्रकार उज्जैन में शाम को ही वहां के इंस्पेक्टर का, महाकाल जो कोतवाली है वहां के इंस्पेक्टर का शाम को ही ट्रांसफर हुआ था, चार्ज हुआ था 1 घंटा पहले। कैसे वहां उज्जैन के डीएम और एसपी की मीटिंग हुई थी 8 से 9 बजे तक रात को, और कैसे वो सुबह बिल्कुल स्वच्छ मन से प्रसाद चढ़ाने आया, और कैसे गार्ड ने को बताया कि हम विकास दुबे कानपुर वाले हैं, हमको ले चलिए। उसका मैं वीडियो फुटेज देख रहा था, बहुत मस्त भाव से कोतवाली जा रहा था। तो ये सब स्क्रिप्टेड था भारतीय जनता पार्टी, ये भी स्क्रिप्टेड था। कल मैंने एक डिबेट में कहा था कि शायद विकास दुबे कान लखनऊ पहुंचे, क्योंकि सारी सारी भारतीय जनता पार्टी, पूरी लीडरशिप, पूरे अधिकारी, इसमें 50% सब लोग फंसते, बदनाम होते, और इनकी जो गरिमा है वो तार तार होती, तो उसको छुपाने के लिए बता रहे हैं वहां जश्न हो रहा है। अगर इनको इतनी चिंता थी, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे नहीं हुए हैं, उनके एक पूर्व मंत्री को उन्होंने बकरी चोरी, जवाब दीजिए, चोरी के आरोप में जेल में बंद कर रखा है। अगर वो समाजवादी पार्टी में रहा होता तो अब तक उसकी फांसी लगा चुके होते। वो भारतीय जनता पार्टी में था, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री के साथ उसकी फोटो है, दो दो विधायक भगवती प्रसाद सागर, श्री अभिजीत सांगा के साथ उसकी, उसने खुद पार्टी के साथ खड़ी रही है। तो आपने जो अपराधियों की राजनीति में प्रवेश दिला के जो संस्कृति, अपराधियों की राजनीति तो पूरी भारतीय जनता पार्टी से शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल नहीं कर सकते आप के ऊपर जो खिलाफ खड़े करे, लेकिन जो आप लेकर के आपने सारे आपकी सरकार को वापस कर रही है, उससे जी के मुकदमे से नहीं, तो ज्यादा अच्छा है। आपको उससे वो दूध की धुली नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनता के मन में कार्य, आप अपना सरकार आप चला रहे हैं, आप अपनी जवाबदेही जनता को बताइए, हमने क्या किया था क्या नहीं किया था, हिंदुस्तान की जनता जानती है। योगी जी अपराधियों के जंगल राज का निरंतर सफाया कर रहे हैं, जब 3 साल से आए हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के जंगल राज को निरंतर सफाया कर रहे हैं, यही अभियान है उनका। तो पहले अपने कैबिनेट के जो उनके उनको भी हटा कर एक मैसेज पास करें, 9,72,00,000 रुपया एक मंत्री का पीएस घूस लेता है, पैदल आईएएस अधिकारी बैठाता है बापू भवन में मुख्यमंत्री के सचिवालय में, और उस मंत्री को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। इनके जो है दो दो मिनिस्टर आप सफाई नहीं कर रहे हैं, गंदगी का महिमा मंडन कर रहे हैं। जितने भी अपराधी और घोटालेबाज हटाइए सब जेल पहुंचे,